अरुण वस्त्र भंडार सबसे ज़्यादा फेमस है डिज़ाइनर ड्रेसेस के लिए पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए चाहे वो लहंगा हो साड़ी हो गाउन हो क्रॉप टॉप हो या फिर सूट्स वगैरह हो सभी तरीके के पार्टी वियर ड्रेसेस जो है ना वो अरुण वस्त्र भंडार के यहाँ से मिलते हैं आज मैं आपके साथ रिव्यू कराने वाली हूँ अपना नॉन ब्राइडल लहंगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज़ मैं आपको शो कर रही हूँ कि जब भी मैंने इसको वेयर किया तो ये किस तरीके का लगने वाला है अरुणा वस्त्र भंडार के यहाँ से मैंने इस लहंगे को परचेज़ किया था अपने देवर के इंगेजमेंट के लिए और जब भी मैंने इसे वेयर किया तो जब मैंने ख़रीदा था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा गुड लुकिंग लगने वाला है बट जब भी मैंने इसको वेयर किया और मेकअप वगैरह करने के बाद इसका लुक जो उभर के आया वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल और लाइट वेट भी था क्योंकि अगर खुद के शादी के लिए लेना होता है तब आप हैवी चूज़ करते हो तो वो चल जाता है बट नॉन ब्राइडल में जितना ज़्यादा लाइट वेट होगा वो उतना ही ज़्यादा कंफर्ट भी होगा उतने ही अच्छे से आप कैरी भी कर पाओगे प्लस साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट भी दिखेगा बहुत ज़्यादा हैवी लेंगे नॉन ब्राइडल पर काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है पहनना क्योंकि पूरी रात या पूरे दिन हमें पहनना होता है सो so, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो लोग भी अरोड़ वस्त्र भंडार के यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पहले देख ले ताकि जब भी वो जाएं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो क्योंकि आज जो है ना मैं बताने वाली हूँ अरोड़ वस्त्र भंडार के यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको जाने से पहले पता होनी चाहिए ताकि आपकी शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए जी हाँ सो so, अरोड़ वस्त्र भंडार चांदनी चौक की सबसे ज़्यादा फेमस शॉप है अपनी डिज़ाइनिंग के लिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट और डिज़ाइन वाले कपड़े मिलते हैं चाहे वो साड़ी वगैरह या कुछ भी हो लहंगे वगैरह हो साड़ी हो सारा कुछ बहुत ही लेटेस्ट मिलता है अरुण का सारा माल जो है वो आता है सूरत से और हर रोज़ सूरत से आ, माल आता है और शाम तक सारा सप्लाई हो जाता है तो डेली ही नया और लेटेस्ट माल आपको मिलेगा ऐसा पूरे चांदनी चौक में कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है चाहे आप किसी भी शॉप में चले जाओ प्लस प्राइस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिलता है अरुण वस्त्र भंडार के यहाँ जो कि पूरे चांदनी चौक में फेमस है। पूरे चांदनी चौक में अरुण वस्त्र भंडार ओरिजिनल सिर्फ एक ही शॉप है अरुण के नाम से कई सारे लोकल शॉप्स भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है अरुण वस्त्र भंडार का ओरिजिनल जो शॉप नंबर है वो है फोर जो कि आपको ध्यान में रख कर जाना है तो बात करते हैं इस लहंगे की ये मस्टर्ड कलर का लहंगा जिसमें नीचे घेरे में एकदम से प्यारा सा डिज़ाइन दिया गया है सीक्वेंस के छोटे छोटे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स दिए गए हैं साथ ही ये आ, कपड़ा जो है ना ये आ, बहुत ही सिल्क टाइप का कपड़ा है और बहुत ही बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है अगर फ्रिल की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा फ्रिल नीचे देता है और इसकी चुनरी की बात करें तो चुनरी जो है ना वो म, आ, डिफरेंट मल्टी कलर की चुनी है जो कि काफ़ी अच्छी लेंथ के साथ आई हुई है अनस्टिच ब्लाउज़ मुझे यहाँ से मिला था जिसको मैंने स्टिच करवाया है कुछ इस तरीके से आ, रानी पिंक कलर का इसका ब्लाउज है जब भी मैंने इसको ख़रीदा था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका लुक जो है ना वो इतना अच्छा आएगा बट जब भी मैंने इसे वेयर किया तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और साथ में ही इसको मैंने बेल्ट ख़ुद से परचेज़ किया है वो मैंने लोकल चाँदनी चौक की किसी भी शॉप में आपको ईज़िली मिल जाएगा बेल्ट वगैरह लगाने के बाद इसका लुक काफ़ी ज़्यादा प्यारा आ रहा था और बहुत सारे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स मिले ये लहंगे को मैंने आगे हल्दी में भी वियर किया क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और बहुत ज़्यादा कम्फर्ट भी था सो तो इसका ब्लाउज जो है ना वो मैंने चेंज किया अपनी रिसेंटली साड़ी के साथ वो जो साड़ी के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो जा रहा है ब्लाउज़ आप देख सकते हो तो ब्लाउज़ को मैंने इस टाइम डिफरेंट कर लिया है और ये काफ़ी अच्छा लुक दिया रेट की अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छे रेट में मुझे मिला है मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कितने कम रेट में मुझे मिला होगा अगर आप इसके इस लहंगे के रेट जानना चाहते हैं साथ में अगर ये भी जानना चाहते हैं कि नॉन ब्राइडल लहंगे जो है ना वो कितने से स्टार्ट हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूंगी ये देखिए अरूढ़ वस्त्र भंडार का जो फ्रंट है वो इस तरीके का कुछ दिखने वाला है आपको जो कि शॉप नंबर आप देख सकते हो फोर के नाम से ही आपको जाना है ये कोई पेड़ प्रमोशन वीडियो नहीं है क्योंकि अरोड़ वस्त्र भंडार को पेड़ प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अरोड़ वस्त्र भंडार अपने आप में खुद ही इतना ज़्यादा फेमस है कि उनको किसी भी तरीके के प्रमोशन के ऐड की, की, की ज़रूरत नहीं होती है पूरे चांदनी चौक में अरोड़ वस्त्र भंडार पूरे दिल्ली में सभी जगह बहुत ज़्यादा फेमस है कुछ साड़ियों के रिव्यू अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने कराए हैं जो कि आप देख सकते हो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कुछ साड़ीज़ मैंने वहाँ से परचेज़ की थी जिनके रिव्यूज़ मैंने अपने चैनल पर कराए हैं डिटेल वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर लेना साथ ही साथ मैंने कई सारे साड़ीज़ के जो है ना वो डिटेल वीडियो दिए हैं इस लहंगे का भी मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो देने वाली हूँ अभी तो सिर्फ मैंने इसके इमेज ही आपको दिखाए हैं बट अगर आप रियल में देखोगे तो ये लहंगा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखने वाला है अगेन एक साड़ी का रिव्यू मैं करा रही हूँ आपको ये आप देख सकते हैं ये अरुण वस्त्र भंडार के यहाँ से मैंने इस साड़ी को परचेज़ किया था अरुण वस्त्र भंडार के यहाँ रेट uh, के हिसाब से अलग अलग काउंटर्स हैं शॉप पे जहाँ पर आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको काउंटर पे आपको चले जाना है जैसे कि रेंज वाइज एक हज़ार से लेके दो हज़ार ढाई हजार तक का अलग काउंटर है ढाई हजार से ऊपर वाला अलग काउंटर है और फाइव थाउजेंड से ऊपर अलग काउंटर है तो इस तरीके को आपको जिस भी रेंज में लेना है उसके अकॉर्डिंग आप काउंटर पर बैठ जाइए और वहाँ से जाके आप चीज़ें परचेज कर सकते हैं हाँ कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि आपने जहाँ से साड़ी परचेज की है वो काउंटर कौन सा है सेकेंड फ्लोर पे ये काउंटर है और फाइव थाउजेंड प्लस डिज़ाइनर साड़ीज़ का काउंटर है वहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया है सो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो इस तरीके की साड़ीज़ वग़ैरह ईज़िली आपको वहाँ से मिल जाएंगी फाइव थाउजेंड प्लस डिज़ाइनर साड़ीज़ सेकेंड फ्लोर ठीक है ये इसकी डिटेल होने वाली है बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स थे तो मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने साड़ी इस कहां से ली है सो वाली जो साड़ी है इसका फैब्रिक, इसका फैब्रिक मैं आ, पहले तो डिटेल वीडियो दे चुकी हूं लेकिन फिर से मैं एक बार आपको दिखा दे रही हूं यह साड़ी जो है ना वो मैंने सेकेंड फ्लोर से परचेज की है और आप देख सकते हो इसका जो फैब्रिक है वो ऑरगंजा फैब्रिक होने वाला है साथ ही पीच कलर का जो है इसका ओवरऑल साड़ी है और बॉर्डर की अगर बात करें तो पिंक कलर का बॉर्डर है और उसमें छोटा छोटा सा वर्क दिया गया है हल्का हल्का सा जो है ना वर्क दिया गया है जर्किन के नंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देते हैं आ, इसका जो है ना डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिया है तो वहाँ से जाके आप डिटेल में भी चेक कर सकते हो और भी कई सारे साड़ीज़ मैंने वहाँ से परचेज़ किए हैं कुछ साड़ीज़ के रिव्यूज़ में दे चुकी हूँ कुछ के देने बाकी हैं और एक और दोनों लहंगों के रिव्यूज़ अभी देने बाकी हैं ये जो इमेज़ मैंने आपको दिखाई इस वाले लहंगे को भी मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी साथ ही साथ मैंने बारात जाने के लिए कौन सा लहंगा और किस तरीके का रेंज वगैरह है वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ टाइम कम मिल पा रहा है वीडियोस कम दे पा रही हूँ क्योंकि आ, सारा कुछ निकाल के एकदम से शो करना फिर उसके बाद एडिटिंग करना काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाता है आजकल फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा कम मिल पाता है आ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस तरीके के ढेर सारे वीडियोज़ जो है ना वो मिलते रहेंगे शॉपिंग से रिलेटेड हो दिल्ली के चीपेस्ट मार्केट हो चाहे वो दिल्ली के लोकल मार्केट हों सदर बाज़ार हो चांदनी चौक हो अरूढ़ वस्त्र भंडार हो या फिर दिल्ली के साप्ताहिक बाज़ार हों तरीके के वीडियोस जो है ना वो मैं मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आते हैं सो जो लोग भी नए हैं फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर लेना और साथ में ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और कौन से साड़ी लहंगे का आप वीडियो डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं बहुत आपकी रिक्वेस्ट पर बहुत ही जल्द मैं वीडियो बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ एक वीडियो दूँ बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं दे पाती हूँ बट कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक वीडियो मैं हर रोज डाल पाऊँ और वैसे काफ़ी सारे लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है करवा चौथ का सीजन आने वाला है साथ में ही करवा चौथ दिवाली छठ पूजा तो आपको बहुत सारे साड़ीस के लहंगे के गाउन के इस तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे मार्केट के शॉपिंग के बैंगल्स के आ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एक नया लुक क्रिएट करने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर देना इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू सो मच हैवे नाइस डे बाय टेक केयर एंड हाँ बहुत ही जल्द मैं अरुण वस्त्र भंडार के यहाँ से अगेन शॉपिंग करने जाने वाली हूँ क्योंकि अभी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं स्पेशली करवा छत की शॉपिंग मैं वहाँ से करूँगी साथ में ही दिवाली की भी शॉपिंग करूँगी छठ पूजा और इन सारी चीज़ों के लिए शॉपिंग होने वाली है तो बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ें आने वाली हैं वहाँ से शॉप से मैंने क्या कुछ परचेज किया क्या कुछ प्राइज होने वाला है सारा कुछ मैं आपको अपने वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ और साथ ही साथ क्या कुछ मैंने खरीदा है उसका रिव्यू भी कराऊँगी क्योंकि मुझे आप सभी के साथ शेयर करने में अपनी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैंने क्या खरीदा कितने का खरीदा बहुत सारे लोगों को मेरी साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इसके लिए थैंक यू सो मच अ नाइस डे बाय टेक केयर मिलती हूँ